सुप्रभात सुप्रभात, सभी को इस वेबिनार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का हमारा वेबिनार का विषय है इंडिजीनियस ब्रीड इम्प्रूवमेंट, यानी देसी नस्ल सुधार। और इस विषय पे आज के तज्ञ है डॉक्टर शेख। ये थीमेटिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है वेस्ट रीजन के, और 20 साल से भी अधिक का अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा वो एनहांस जेनेटिक प्रोजेक्ट का भी काम देखते हैं फॉर द वेस्ट रीजन। आज के वेबिनार में जो विषय वो कवर करेंगे उसमें है इंडिजीनियस ब्रीड इम्प्रूवमेंट का महत्व, इम्पोर्टेंस, कौन कौन से अलग प्रकार के देशी नस्ल है जिनका हमें जतन या कंजर्वेशन करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, प्रजनन नीति, अलग अलग प्रजनन नीति, और इसका रिकॉर्डिंग, डेटा रिकॉर्डिंग इस प्रजनन डेटा का। तो इस पे आज शेख सर अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो कुछ भी प्रश्न हैं वो प्रेजेंटेशन के अंत में, यानी वेबिनार के अंत में लिए जाएंगे। तो आपके जो कुछ भी प्रश्न हैं वो आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो इसी के साथ शेख सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वेबिनार शुरू करें। जी, धन्यवाद पूजा जी। मैं डॉक्टर शेख, आज हम लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं, तो आज का जो हमारा वेबिनार है, इसका विषय जो है वो इंडिजिनियस ब्रीड इम्प्रूवमेंट है। देशी गाय नस्ल का जो है वो हमको सुधार करना है, उनका कंजर्वेशन करना है, तो वो किस प्रकार से होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी अच्छी देशी गाय की नस्लें हैं भारत में, और उनका संवर्धन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उनसे हमको बहुत फायदे भी हैं, और ये पालन पोषण में भी अच्छे होते हैं, और उनका दूध भी बहुत अच्छा है, और वो हेल्थ के हिसाब से बहुत हमको लाभदायक भी है। तो आज के जो विषय के संदर्भ में हम इंडिजिनियस ब्रीड, जो हमारी देशी गाय की नस्लें हैं, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और हमारे वेबिनार को हम शुरुआत करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारी जो देशी गाय की नस्लें हैं, तो हम हमारे जो भारतवर्ष में जो टोटल कैटल पॉपुलेशन है, हमारी गाय हैं, तो उनका टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखा जाए तो सेंसस जो है वो दो बार हुआ है, 2012 का और 2019 का सेंसस जो है, लाइवस्टॉक सेंसस, तो उसका यहाँ पे हाँ दिखाया गया है कंपैरिजन। तो अगर हम देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन, जिसके अंदर देशी गाय की नस्लें भी है गाय की और संकरित गाय की नस्लें भी हैं, तो वो टोटल जो है वो 192.49 मिलियन है, जो कि पिछले 2012 से जो है वो 0.8% बढ़ा है। इसी के साथ अगर हम इसमें देखेंगे कि जो क्रॉस ब्रीड संकरित गाय हैं, तो उसका भी पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो 50 मिलियन है। टोटल 192 मिलियन में से 50 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो संकरित गायों का है। उसके अंदर मेल और फीमेल पॉपुलेशन भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि 26% बड़ा है। संकरित गायों का प्रमाण जो है वो 2012 से 2019 के दरमियान जो है वो 26% बड़ा है। तो यहाँ एक संकेत है कि संकरित का प्रमाण जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा, अगर हम देखेंगे कि हमारी देशी गाय की जो नस्लें हैं, उसके अंदर हमारी कुछ नॉन डिस्क्रिप्ट गायें भी हैं, ज्यादा जो प्रमाण है उनका जो नॉन डिस्क्रिप्ट गायें ही है, 80% अगर हम देखेंगे, देशी नस्ल प्लस नॉन डिस्क्रिप्ट दोनों का कंबाइन यहाँ पे सर्वे किया गया है, तो वो अगर हम देखेंगे तो 142 मिलियन है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि देशी गायों का प्रमाण जो है वो -6% हुआ है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देशी गाय के नस्ल की सुधार की ओर या उनके पालन पोषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े जो है हमको दिखाते हैं कि हम लोगों को उनका संवर्धन करना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए और उनका देखभाल करना चाहिए।
ये था हमारा टोटल कैटल पॉपुलेशन के बारे में। इसमें अगर हम देखेंगे, अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट का बताया गया है, क्योंकि फोकस उसी पे ज़्यादा किया गया है, वेस्ट रीजन पे। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स भी होंगे तो वेस्ट रीजन के, अगर कुछ अदर स्टेट के भी हैं तो वो भी हम बता देंगे। तो इसमें देखिए कि महाराष्ट्र स्टेट का जो है वो पॉपुलेशन जो है वो 15.5 मिलियन था, जो कि अब 13.9 मिलियन पॉपुलेशन हो गया है। और मध्य प्रदेश का जो है वो 18.7 मिलियन है, और गुजरात का जो है वो 9.63 मिलियन है। तो इसी के अंदर हम अगर देखेंगे कि इंडिजिनियस का जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र में जो है वो 9.3 मिलियन है, और मध्य प्रदेश में 17 है, गुजरात में 6.1 है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंडिजिनियस और नॉन डिस्क्रिप्ट, ये दोनों मिलाकर है इसमें, यानी कि देशी गाय की नस्लें और जो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय हैं जिनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते और जिनको हम गावठी या ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो कि देशी नस्ल की तरह नहीं दिखते। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि स्टेट वाइज, तो मध्य प्रदेश में जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन और इंडिजिनस का पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारे अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो टोटल 53 रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड है, जो कि वर्ष 2022 तक जो है 50 थे, और 3 नई ब्रीडें जो है वो ऐड हुई है, वो 53% 53 ब्रीड्स हो गई है, और बफेलो में जो है वो 20 ब्रीड्स है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि 80% जो हमारा पॉपुलेशन है कैटल का, तो उसके अंदर जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट और इंडिजिनस मिलाकर है, और 20% ही जो है वो लगभग 53 ब्रीड जो है वो 20% ही है जो कि देशी गाय की नस्लें हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम कि देशी गाय की नस्ल की पॉपुलेशन ओवरऑल भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो वो 10% इंक्रीज हुआ है, और टोटल पॉपुलेशन जो क्रॉस ब्रीड का है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और बफेलो का जो पॉपुलेशन है वो 109 मिलियन है। और हमारी जो देशी गाय की नस्लें जो कि दूध के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जिनका पर्पस मिल्क पर्पस ब्रीड है, तो वो है सहीवाल, लाल सिंधी, थरपारकर और गीर गाय। और जैसा कि हम भैंसों में अगर देखेंगे तो उसके अंदर मुर्रा, जाफराबादी और सूरती गाय की नस्लें जो है ये अच्छी मिल्क प्रोडक्शन की है। अब अगर हम हमारे जो ब्रीड्स का अगर विभागनी की जाए, उनको अगर विभागा जाए तो उसको हम मिल्च पर्पज ब्रीड, ड्यूल पर्पज ब्रीड और ड्राफ्ट पर्पज ब्रीड, जो कि ड्यूल यानी कि वो दूध के लिए भी और हमारे ड्राफ्ट के लिए भी यूज होता है, खेती काम के लिए भी उसका यूज किया जाता है, तो वो ड्यूल पर्पज ब्रीड्स है, और ड्राफ्ट पर्पज ब्रीड भी यहाँ पे है। मिल्च ब्रीड में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि उसके अंदर सहीवाल, लाल सिंधी, गीर, थरपारकर और राठी ब्रीड है, और अगर ड्यूल पर्पज में देखा जाए तो इसमें हरियाणा, कांकरेज, देवनी, कृष्णा वैली, गंगोत्री, ये सभी ब्रीड्स हैं। और ड्राफ्ट पर्पज में हल्लीकर है, खिल्लार है जो कि महाराष्ट्र से है, और डांगी ब्रीड है, निमाड़ी ब्रीड है, गौड़ो ब्रीड है, तो ये ब्रीड जो है वो ड्राफ्ट पर्पज ब्रीड है। इस प्रकार से जो है हमारी जो गायों की नस्लें हैं उनको विभागा गया है उनके पर्पस के लिए। और जैसा कि 4 ब्रीड जो हमने बताए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दूध उत्पादन भी उनका अच्छा है और वो मिल्च पर्पज ब्रीड है, तो इसको जो पॉलिसी है हमारे कंट्री लेवल पे, तो उनको प्रमोट किया जाए, जो हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट गाय हैं उनके ऊपर भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं उनका अपग्रेडेशन करने के लिए, और जो अगर इंडिजिनियस ब्रीड्स है तो उनको इंडिजिनियस ब्रीड से इम्प्रूव करना चाहिए। इस प्रकार से ये 4 गायें जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनका यूज इस्तेमाल हो इसलिए भी कहा गया है। तो ये सहीवाल गाय जो है ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये मुल्तानी है, ये इसका नाम मुल्तानी भी कहा जाता है, लोला भी कहा जाता है, और इसका जो होम ट्रैक्ट है
ये अगर हम देखेंगे तो ये सेंट्रल और साउथर्न एरियाज जो है, पंजाब और इंडो पाक बॉर्डर जो है, तो वहाँ पे इनका पाए जाते हैं। इनका जो कैरेक्टर है, तो इनकी लूज स्किन होती है, थिक हॉर्न्स है इनके, ब्रॉड हेड है, हेड देखेंगे अगर आप तो वो ब्रॉड है, ड्यूलैप है इनका ल्यूमिनस। और इनका अगर हम दूध उत्पादन देखेंगे, तो ये दूध उत्पादन जो है वो 2150 से 4000 केजी तक जाता है, और फैट परसेंट जो है वो 4.5% फैट है। अगर कलर की बात करें, तो हम ये कलर इनका जो है वो रेड और डार्क ब्राउन है, और विथ व्हाइट भी है, मिक्स होता है। तो ये हमारी सहीवाल गाय है। उसके साथ ही सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गाय जो है इधर वेस्ट रीजन्स में, वो गीर गाय है। तो गीर गाय जो है, इसको हम काठियावाड़ी गाय भी कहते हैं। इसका होम ट्रैक जो है वो काठियावाड़ जूनागढ़ है, और भावनगर अमरेली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे, गुजरात में इनका सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और महाराष्ट्र और राजस्थान के बॉर्डर में भी है। हेड इनका जो है वो बहुत लॉन्ग होता है, और प्रोमिनेंट फोरहेड है इनका, और ईयर्स जो है वो पेंडुलस है। ये सबसे पहचानने के लिए बहुत आसान होता है। इनके कान जो है वो पेंडुलस कान है, डोसाइल टेम्परामेंट के होते हैं, अच्छा ड्रॉप पर्पज भी है, और इनका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा है। तो ये रेड टू व्हाइट होता है इनका कलर, व्हाइट में भी पैचेस होते हैं। अगर मिल्क के लिए देखा जाए, तो ये 1600 से 3200 प्रति लैक्टेशन इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है, और 4.5 से 5% फैट इनका होता है। तीसरी महत्वपूर्ण गाय जो है हमारी, वो है रेड सिंधी, जिसको हम लाल सिंधी बोलते हैं। तो इसका भी होम ट्रैक जो है वो कराची और सिंध का पास का, पंजाब के एरिया में, पाकिस्तान और पंजाब के एरिया में ये पाया जाता है। और इनका भी बॉडी कैरेक्टर जो है वो मीडियम साइज है, कॉम्पैक्ट बॉडी है, और इनका नेचर भी जो है वो डोसाइल नेचर होता है, और इनका कलर जो है वो डार्क रेड है, वेरिंग फ्रॉम येलो टू डार्क ब्राउन भी है, और मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है ये। इनका अगर देखेंगे हम, तो 5500 केजी तक प्रति लैक्टेशन इनका मिल्क प्रोडक्शन है, और फैट परसेंट जो है वो 4.5% फैट परसेंट भी है। तो ये तीन गाय अभी बताई मैंने, गीर, लाल सिंधी। अभी हम थरपारकर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो ये ब्रीड है, ये थारी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ग्रे सिंधी भी कहते हैं इसको। ये भी जो है वो कच्छ डिजर्ट एरिया में, गुजरात के और मारवाड़ और राजस्थान में पाई जाती है। इसका बॉडी कैरेक्टर जो है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स फोरहेड है इसका, और हॉर्न्स भी देखेंगे अगर हम, मीडियम साइज के होते हैं, ब्लैक स्विच होता है इनके टेल को, और इनका कलर जो है व्हाइट और ब्लैक विथ लाइट ग्रे लाइंस है यहाँ पे। और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 1500 से 4775 प्रति लैक्टेशन होता है इनका, और फैट परसेंट जो है वो 4 से 5% फैट होता है। और एक ये आखिरी यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे मिल्क ब्रीड्स है, वो राठी ब्रीड है। ये भी जो है बीकानेर, जैसलमेर, राजस्थान में पाई जाती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन भी जो है वो 2810 केजी पर लैक्टेशन है, और फैट परसेंट भी जो है वो 3.7 to 4% है। तो इस प्रकार से हम और एक बार रिवर्स लेंगे, ये राठी ब्रीड है, ये थरपारकर और रेड सिंधी, गीर और साहिवाल, यानी कि ये पांच ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिल्च पर्पस ब्रीड है हमारे इंडिया की। साहिवाल, गीर, रेड सिंधी, थारपारकर और राठी, तो इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो ब्रीड्स हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसके अंदर आप अगर देखेंगे, तो महाराष्ट्र के पांच ब्रीड्स है कैटल ब्रीड्स, इसमें डांगी, रेडकंदारी, देवनी, गौलो और खिल्लार है। रिसेंटली जो है वो कथनी ब्रीड्स भी लास्ट ईयर जो है वो रिकग्नाइज हुई है। तो इस प्रकार से ये,
अब ये देवनी ब्रीड जो है ये कहाँ पाई जाती है और उसका ब्रीडिंग ट्रैक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो ये देवनी गाय जो है ये लातूर डिस्ट्रिक्ट की है और इनका जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है ये उदगीर, अहमदपुर और चाकूर, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमाण इनका पाया जाता है। और लाल कंधार जो है तो ये नांदेड़ का है, कंधार ब्लॉक में, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एरिया में। और इनका जो ब्रीडिंग ट्रैक अगर हम देखेंगे तो कंधार ब्लॉक है, मुदखेड़ ब्लॉक है, अहमदपुर, बिलोली, नांदेड़ एंड देगलूर। मोस्टली जो है ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है और सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है मराठवाड़ा के वहां। सोलापुर, सातारा, सांगली एरिया में पाई जाती है। और इनका भी जो ब्रीडिंग ट्रैक है ये बार्शी, पंडरपुर, मान खटाव, खंडाला, इस प्रकार से ये ब्रीडिंग ट्रैक यहाँ पे दिया गया है। और सोलापुर का एरिया है, मालशीरस है, करमाड़ा है, ये सोलापुर, सातारा, सांगली डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में इनका ब्रीडिंग ट्रैक है। और खिलार ब्रीड जो है वो बहुत ज्यादा प्रमाण पे इस्तेमाल भी होता है, बहुत से लोग उनका रेसिंग पर्पस भी इस्तेमाल करते हैं कुछ एग्जीबिशंस में, और डांगी ब्रीड का भी जो है तो एग्जीबिशंस में इस्तेमाल होता है, कुछ लोग शौक के कारण भी उसको पालते हैं। डांगी ब्रीड जो है वो नासिक और अहमदनगर, इगतपुरी ब्लॉक में और अकोले ब्लॉक में इनका ज्यादा प्रमाण है। और सराउंडिंग जो है डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है तो वहां पे भी इनका ब्रीडिंग ट्रैक्ट है। और गौड़ो ब्रीड जो है ये वर्धा, पर्टिकुलरली वर्धा का एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का विदर्भ में, तो वहां पे अरबी, खरंगाना, अष्टी और कारंजा में पाई जाती है। ये महाराष्ट्र के ब्रीड्स हैं, देवनी, लाल कंदार, खिल्लार, डांगी और कौलो। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे मालवी ब्रीड है, निमाड़ी ब्रीड है और केनकाटा ब्रीड है। तो गौड़ो ब्रीड भी वहां पे पाई जाती है। तो इनका अगर हम ब्रीडिंग ट्रैक देखेंगे तो मालवी का जो है वो उज्जैन, देवास, रतलाम, इंदौर, झाबुआ, राजगढ़, सीहोर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। और निमाड़ी ब्रीड जो है ये भी निमाड़, खरगांव और खंडवा एरिया में पाई जाती है। और केनकाटा जो है वो अजयगढ़ नियर केन रिवर के करीब पाई जाती है। और गौड़ो ब्रीड जो है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट किसका ब्रीडिंग ब्लॉक है, ब्रीडिंग ट्रैक है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ये चार ब्रीड्स जो है वो ज्यादा प्रमाण में और वहाँ की प्रदेश की गाय हैं। गुजरात में जो है वो गुजरात का हम लोग देखेंगे अगर तो कांकरेज, गीर और डांगी ब्रीड है, जैसा कि मैंने अभी बताया था महाराष्ट्र का अकोले, अहमदनगर एरिया और डांग जो है वो एरिया लक्कर है बॉर्डर पे, तो डांगी वहां पे भी पाई जाती है। कांकरेज का जो मेनली बनासकांठा जो है गुजरात का, मेहसाणा, पाटन एरिया, गांधीनगर, कच्छ, अहमदाबाद, सुरेंद्र नगर, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसके ब्रीडिंग ट्रैक्स है। और गीर जो है वो पहले जैसे हमने देखा है जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, यहाँ पे इनका ब्रीडिंग ट्रैक है। और डांगी का जो है गुजरात का जो डांग एरिया है, तापी डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदा, सूरत, वलसाड, तो यहाँ पे इनका प्रमाण ज्यादा है। तो ये हमने तीन प्रदेश की नस्लों के बारे में देखा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इंडिजिनियस ब्रीड में इम्प्रूवमेंट क्यों होना चाहिए और इंडिजिनियस ब्रीड ही क्यों हमको इम्प्रूव करना चाहिए, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है इनका ड्राफ्ट एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही है। ऑडिबल? कुछ इश्यू है? हाँ सर स्क्रीन फिर से शेयर करिए सर, स्क्रीन बताया। हाँ अभी डिस्प्ले हो रहा है? नहीं सर नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ ओके ओके। अभी हो रहा है? यस यस सर यस। तो देसी गाय की नस्लें जो हैं वो अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स बहुत है, कभी हेवी रेन्स है, कभी जो है तो ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, और एनिमल का इम्यूनिटी पावर, डिजीज अकरेंस इसमें कम होता है, लेस चांसेस ऑफ मस्टाइटिस है इसके अंदर, और जो रेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है इसके अंदर, क्योंकि ये ग्रेजिंग के लिए जाते हैं और चारा जो है वो उपलब्ध जो संसाधन है उसी के ऊपर इनकी उपजीविका है, और इनके मिल्क को डिमांड भी बहुत अच्छा है। मार्केट मिल्क का प्राइस अगर हम देखेंगे तो इंडिजिनियस ब्रीड्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रेट भी मिलता है एज कम्पेयर टू क्रॉस ब्रेड, और अभी आजकल जो है यूरिन और डंग से भी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी बनाए जाते हैं। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इंडिजिनियस ब्रीड जो है वो हमारा इनके साथ रिलीजियस बाइंडिंग है, तो ये भी हमको ध्यान में रखते हुए इन ब्रीड्स का जो है वो कंजर्वेशन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारी देशी गाय जो है उनका इंडिजिनियस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा इम्पोर्टेंस है, और अडॉप्शन जो है ये लोकल कंडीशंस में अडॉप्ट हो जाते हैं, और इनको रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा होता है, इनके अंदर फर्टिलिटी का भी बहुत अच्छा प्रमाण होता है, तो इस वजह से देशी गाय की नस्लें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन गायों का संवर्धन कंजर्वेशन करना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। 60% भी देशी गायों में जो है वो एज कम्पेयर टू क्रॉस ब्रेड जो है वो बहुत अच्छा है, तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके कारण हम लोगों को जो है वो इंडिजिनियस ब्रीड्स का जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इनका संवर्धन करना है, इनका कंजर्वेशन करना है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट्स की बनाई गई हैं जो कि हम लोगों को फॉलो करना बहुत आवश्यक है, तो इसके अंदर जो है AITs जो हमारे कृत्रिम रेतन धारक है, जो कृत्रिम रेतन तज्ञ है, तो उनको हर एक स्टेट के बारे में पॉलिसीज, अपने अपने स्टेट की पॉलिसीज जो है उनको ध्यान में रखते हुए उनका अनुकरण करना है, और उसी प्रकार से उसी देशी गाय की नस्ल का इस्तेमाल उसी प्रदेश में करना है। इस प्रकार से इम्प्लीमेंट जो है वो रीजन स्पेसिफिक और ब्रीड स्पेसिफिक भी स्ट्रेटजीज यहाँ पे बनाई गई हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट और एक्जॉटिक ब्रीड्स का भी यहाँ पे आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उसमें हमको उनका भी ध्यान रखना है, और कुछ ब्रीडर्स ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, गौशाला है वहाँ पे भी इनका कंजर्वेशन होता है, बहुत अच्छे एसोसिएशंस भी हैं हमारे जिनके साथ हमको संलग्न होना चाहिए, और वो लोग भी जो है कंजर्वेशन के अंदर स्टेप्स ले रहे हैं, और ये भी एक कंजर्वेशन का स्टेप है, और जो नई टेक्नोलॉजीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेक्सॉर्टेड सीमेन भी आया है जिससे 90% जो है वो बछिया ही पैदा होगी, तो इससे भी इनका कंजर्वेशन में करने के लिए हमको फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, फास्ट कंजर्वेशन होगा, और ऑलरेडी हमारे पास फ्रोजन सीमेन तो अवेलेबल है ही, उसी के साथ साथ एम्ब्रियो ट्रांसफर की भी तकनीक आई है, भ्रूण प्रत्यारोपण जो कहते हैं, तो उससे हमको डायरेक्टली सहीवाल अगर है तो वो सहीवाल का ही
बछिया या बछड़ा हमको मिल सकता है, भ्रूण प्रत्यारोपण भी। ये नई नई साइंस एंड टेक्नोलॉजीज भी है, इसका भी इस्तेमाल जो है वो कंजर्वेशन में किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग जो कंजर्वेशन है वो जो है सांड का इस्तेमाल ना करते हुए कृत्रिम रेतन के करना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए अच्छे सीमेन जो है, अच्छी नस्ल के सीमेन, अच्छा प्रोडक्शन जो है वो बुल्स का सीमेन, इंडिजिनस ब्रीड का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर प्रावधान उपलब्धता है तो हम भ्रूण प्रत्यारोपण में भी जा सकते हैं। तो ये स्टेप्स है कंजर्वेशन के लिए जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स का है। अब हमने जैसे पॉलिसी की बात की, तो पॉलिसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो इंडिजिनियस कैटल जो है, जो हमने अभी बताए थे, हमारे 5 महत्वपूर्ण इंडिजिनियस ब्रीड्स हमने बताए हैं भारत के, और उसी के साथ साथ हमारे प्रदेश के भी हमने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की गायें बताई हैं। तो उन गायों को, इंडिजिनियस गाय जो है, तो उनको प्योर इंडिजिनियस ब्रीड से ही कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए। और जो नॉन डिस्क्रिप्ट नस्लें हैं, जो नॉन डिस्क्रिप्ट गायें हैं, जो दिखती तो देशी जैसी हैं लेकिन वो गिर का, उनका गिर के पूरे प्रमाण नहीं है, 20% है, 10% है, तो ऐसी गायें जो हैं, या हमारी देशी नस्ल की डांगी है या खिलार है लेकिन वो 100% खिलार नहीं दिखती है, तो जिसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं, उनको हम बता नहीं सकते अच्छे से ये ब्रीड कौन सी है क्योंकि वो पूरी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो ऐसे ब्रीड में जो है हमको क्रॉस ब्रीडिंग करना चाहिए, और इंडिजिनियस ब्रीड भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंडिजिनियस ब्रीड का इस्तेमाल इसलिए करना है, उसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं। अगर हम जर्सी और होल्स्टीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ये दोनों भी चीजें जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल में करनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंडिजिनियस कैटल जो है, हमारी गिर गाय को हमने एचएफ लगा दिया या गिर गाय को हमने जर्सी लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। तो पॉलिसी का कहना है कि जो देशी नस्ल की गाय हैं उनको देशी नस्ल के ही वीर्य से उनको कृत्रिम गर्भाधान किया जाए, और जो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय हैं, जो आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उन गायों को आप संकरीकरण कीजिए, उन गायों पे आप देशी नस्ल के सांड का भी वीर्य इस्तेमाल कर सकते हैं, अपग्रेडेशन होगा और अच्छी नस्ल की गायें तैयार होंगी। इसी प्रकार से हम अगर देखेंगे कि 50% जो क्रॉस ब्रेड गायें तैयार हो जाती हैं ऑलरेडी, तो उनको जो है वो 75% का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे एआई टेक्नीशियंस, और ज्यादातर यहाँ पे चूक हो जाती है हमसे, जो कि परसेंटेज क्रॉस ब्रीडिंग में बताया गया है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर जो है, अगर वो कोई क्रॉस ब्रीड 50% है तो उसको 75% का सीमेन ही लगवाना चाहिए। होता ऐसा है कि जो क्रॉस ब्रीड एनिमल है उसको भी हम लोग क्या, यानी कि जनरली ऐसा होता है फील्ड के अंदर, या बाय चांस फार्मर भी फोर्स करता है कि 100% सीमेन लगाइए, तो वो नहीं लगाना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि ब्लड लेवल जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग का, वो 62.5% ही या 75% तक ही रखना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अगर वहां पे अच्छी खान पान की व्यवस्था है तो वो 75% तक ब्लड लेवल रखना चाहिए, या नहीं तो वो 62.5% तक ही होना चाहिए। ये हमको बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंडिजिनस ब्रीड इंप्रूवमेंट की, लेकिन साथ ही साथ जो है वहाँ पे क्रॉस ब्रीड एनिमल्स भी है, तो उनका भी ब्लड लेवल जो है वो हाई नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कि हम या तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करें, यानी कि सिलेक्टेड, अगर वो प्योर डांगी ब्रीड है तो उसको प्योर डांगी बुल से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी चीज होती है जैसा कि अपग्रेडिंग मैंने बताया था, तो अपग्रेडिंग के अंदर है कि लाल कंदारी क्रॉस है, यानी कि वो लाल कंदारी की जैसी दिखती है लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो पूरे नहीं है, उसको हम नॉन डिस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, तो उसको हम प्योर लाल कंदारी लगाएं। यहाँ पे जो ब्रीड के नाम दिए हैं ये समझाने के तौर पर दिए हैं, यहाँ पे आप अलग अलग देशी ब्रीड्स के नाम भी लगा सकते हैं, जैसा कि गिर गाय है प्योर अगर, तो उसको प्योर गिर गाय का ही सीमेन लगाना चाहिए, अगर वो गिर गाय क्रॉस है तो उसको प्योर गिर गाय का ही सीमेन लगाना चाहिए, अगर उसको हमको अपग्रेडेशन करना है।
और जहां पे क्रॉस ब्रीडिंग की बात आती है, जैसा कि कृत्रिम रेतन की बात हो रही है, कृत्रिम गर्भाधान की बात हो रही है, तो उसके अंदर ये स्टेप भी है कि लोग क्रॉस ब्रीडिंग की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस ब्रीड से मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, ये भी लोगों का कहना है। तो वो भी हमको जब कृत्रिम गर्भाधान करना है तो वो एनडी के ऊपर जो है वो प्योर जर्सी या प्योर एचएफ लगाना चाहिए। अगर उसके अंदर देखिए 50% क्रॉस ब्रीड जो बताई गई है तो उसमें सिर्फ 75% का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये 50% पहली जनरेशन जो है वो 50% हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये दोनों चीजें यहाँ पे हम देसी गायों के बारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में भी। यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिखाया गया है कि एनडी गाय है, एनडी गाय जो हम बोल रहे हैं अभी, जो हमने बताया भी अभी एनडी गाय किसको कहते हैं, तो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय जो है उसको हम 100% प्योर जर्सी बुल लगाएंगे या नहीं तो इंडिजिनियस 100% प्योर लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि 50% जो है उसके अंदर गुण आएंगे जर्सी के, या फिर 50% जो है वो देसी गाय के गुण आएंगे। तो जब वो बछिया बॉर्न हो गई, वो बछिया बड़ी होंगी, यहाँ पे लाल कलर में दिखाया गया है सेकंड नंबर पे, तो वो 50% जो बछिया बड़ी हो गई है, मांस पे आ गई है, अब उसको हमको कृत्रिम रेतन करना है, तो उसको 75% लगाना चाहिए, जो कि आगे चलकर 62.5% हो जाएगा। तो 62.5% की बच्चियां पैदा होंगी, और जैसा कि ब्रीडिंग पॉलिसी कहती है तो फिर हमको जो है वो 62.5% का ही सीमेन लगवाना चाहिए ताकि उसको मेंटेन रखा जाए। तो इसीलिए तो अलग अलग प्रकार के 100%, 75%, 62.5%, 50% ऐसे जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग में बुल्स होते हैं वो अलग अलग, और उसका इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए। अब जैसा कि हमने इन देशी गायों का अगर मसला है तो देशी गायों में भी यही होगा कि 100% गीर जो है वो गीर का ही इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद गीर का इस्तेमाल करें, गीर का ही इस्तेमाल करें, उसके अंदर परसेंटेज नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जनरेशन के अंदर आने वाले बच्चिया जो है वो इम्प्रूवमेंट होता जाएंगा, उनका अपग्रेडेशन होता जाएगा और वो देशी गाय के नस्ल में आगे बढ़ेंगे। अगर कोई 75% का है तो उसको 50% बुल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक हमारे फील्ड के अंदर जो है ये जनरल चीजें हैं, तो इसको बहुत आवश्यकता पूर्ण हमको ध्यान देना पड़ेगा और उसके प्रकार से ही हमको कृत्रिम गर्भाधान करना पड़ेगा। अब जो ब्रीडिंग पॉलिसी बता दिया, अभी हमने आपको बताया कि देशी गाय को देशी गाय का ही वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए, अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, और उसके बाद संकरीकरण कैसे होना चाहिए, क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करना होना चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब हम चलते हैं कि स्टेट वाइज जो ब्रीडिंग पॉलिसीज है और उन्होंने पॉलिसी के अंदर कौन सी ब्रीड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। जैसा कि हम अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो हमने हमारे ऑलरेडी जो 5 ब्रीड्स है और एक हमारी कथनी ब्रीड से ऐड हो गई है, 6 ब्रीड है, तो वो 6 ब्रीड्स का इस्तेमाल उन्हीं ब्रीड्स पे होना चाहिए, डांगी को डांगी होना चाहिए। अधिक हम लोग जो है यहाँ पे ये भी बताया गया है कि गीर, थारपारकर, जैसा कि हमने बताया कि अच्छे मिल्क प्रोडक्शन के एनिमल्स है, गीर, थारपारकर है, सहीवाल है, तो इनका भी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन डेस्केप एनिमल के ऊपर। उसी प्रकार से गुजरात में अगर देखेंगे तो गुजरात की जो गाय है उन्हीं को वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए, कांकरेज को कांकरेज से ही कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए, कांकरेज, गीर और डांगी। मध्य प्रदेश में भी जो है मालवी, निमाड़ी और केनखाटा ब्रीड्स जो है तो उनको उन्हीं के ब्रीड से हमको इंसिमिनेट करना चाहिए। और अपग्रेडेशन के बारे में जो लोकल नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स है तो उसमें हम लोग जो है वो हरियाणा, थारपारकर या सहीवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे नॉर्थ रीजन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तो राजस्थान में गीर, थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज और मालवी गायों के बारे में बताया गया है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वो सहीवाल, गीर, थारपारकर, हरियाणा और गंगेत्री ब्रीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड में जो है लाल सिंधी, सहीवाल, हरियाणा और थारपारकर ब्रीड्स, ये ब्रीड्स जो है वो रिकमेंडेड ब्रीड्स वहाँ के पॉलिसी के अनुसार दिए गए हैं उस स्टेट के लिए।
इस रीजन में भी बिहार झारखंड उड़ीसा है, तो यहाँ पे भी गिर सहीवाल लाल सिंधी। अगर आप देखेंगे हर जगह पे गिर सहीवाल लाल सिंधी जो है वो कॉमन है, क्योंकि ये मिल्च पर्पस ब्रीड है और उनको नॉन डेस्केप एनिमल पे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। और बिहार की जो बचूर ब्रीड्स है और उड़ीसा की बिंजारपुरी है, तो वो वहाँ पे उनका इस्तेमाल उन्हीं गायों पे होना चाहिए। अभी ये साउथ रीजन का भी यहाँ पे बताया गया है, साउथ में भी जो हमारे ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुसार तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ की जो गाय है वो ओंगोल टू ओंगोली होना चाहिए आंध्र प्रदेश में, और अमृत महल कर्नाटक में, खिल्लार, हल्लीकर, कृष्णा वैली, ये इनका भी हमको इस्तेमाल वहाँ पे होना चाहिए। और सहीवाल, गिर, ये भी जो है वहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्ट तेलंगाना में इस्तेमाल किया जा सकता है, ओंगोल, देवनी, ये साउथ रीजन के बारे में। तो ये सब हमने पॉलिसीज स्टेट वाइज देखी है, और इन ऑल कंक्लूजन यही है कि जो देशी गाय की नस्लें हैं जो हमारे प्रदेश की हैं, तो वो प्रदेश की गायें जो हैं वो प्योर प्रदेश की गायें अगर हैं तो उनको उसी सीमेन से लगवाना चाहिए, उसी वीर्य का कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए, उसी ब्रीड का। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। शेख सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारा जो प्रेजेंटेशन चालू है, नहीं सर, प्रेजेंटेशन फिर से बार शेयर करिए। बार कुछ ये हो रहा है। इट्स ओके यस सर। जी। तो हम जो इंडिजिनियस ब्रीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जो हमारे तीन राज्य हैं वेस्ट रीजन के, तो ये वेस्ट रीजन में जो इस्तेमाल हुआ है देशी गायों का, तो उसके बारे में यहाँ पे परसेंटेज में दिखाया गया है कि हर साल जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में भी जो है वो अगर 2024 की बात करें हम, 23-24, तो वहां पे हम 25% तक इंडिजिनियस ब्रीड्स में इम्प्रूवमेंट करने की ओर अग्रसर हैं और बढ़ रहे हैं। टोटल कैटल का जो एआई होता है तो उसके अनुसार यहाँ पे 3,94,000 एआई के अगेंस्ट जो है 1 लाख इंडिजिनियस एआई हुए हैं महाराष्ट्र में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे 55,000 एआई हुए हैं ये 30 गुजरात के अंदर, 55,000 के अगेंस्ट 30,000 एआई जो है वो हमारे इंडिजिनियस के हुए हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो है वो 60,000 के अगेंस्ट 31% हुए हैं, जो कि 52% इंडिजिनियस के प्रमाण से वहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान हुए हैं। और ओवरऑल अगर वेस्ट रीजन देखा है तीनों स्टेट्स का हम देखते हैं अगर, तो वो 31% इंडिजिनियस ब्रीड का इस्तेमाल हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब ये जो इंडिजिनियस ब्रीड्स है, आप लोगों को सभी को पता है कि आप लोग अगर इंडिजिनियस ब्रीड के सीमेन के बारे में हो, या अगर सीमेन से अवेलेबिलिटी आप चाहते हैं, तो बायफ जो है आपके करीब ही है, और बायफ का प्रोडक्शन जो है वो होल्स्टीन फ्रीजियन है, चाहे क्रॉस ब्रेड हो या इंडिजिनियस ब्रीड्स हो या बफेलो ब्रीड्स हो, तो सभी हमारे पास जो है वो सीमेंस का प्रोडक्शन होता है उरली कंचन में, और ISO स्टैंडर्ड्स लैब है। और वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स जो है हमारी 18 इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स का सीमेन हमारे पास उपलब्ध है, और वो आप लोग डिमांड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने प्रदेश की पॉलिसी के अनुसार, जैसा कि गिर, सहीवाल, थारपारकर, लाल सिंधी, राठी, हरियाणा, ओंगोल, अमृत महल, डांगी, खिल्लार,
कृष्णा वैली, गंगेत्री, लाल कंदार, नागोरी, निमाड़ी, गौलो और देवनी, ये सभी ब्रीड जो है वो उपलब्ध है। और बफेलो में भी देखें तो 9 ब्रीड्स लगभग हमारे पास सीमेन का प्रोडक्शन है। मुर्रा है, सूरती है, जाफराबादी है, भदावरी, बन्नी, पंडरपुरी, नीली रावी, नागपुरी और मेहसाना, ये ब्रीड्स का बफेलो का सीमेन उपलब्ध है। तो सीमेन अवेलेबिलिटी भी है, आप लोग अपने प्रदेश के अनुसार, नीति के अनुसार जो है उसकी डिमांड कीजिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे हम अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो हमारी देशी गाय की नस्लें हैं तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में भी हमको सोचना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए। परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग मीन्स उनका जो कुछ भी मिल्क प्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन है, इन चीज़ों की तरफ हमको रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो सकता है, फार्मर का मैनेजमेंट, फार्मर ने हाउसिंग कैसे किया है, फीडिंग किस प्रकार से करता है, और एनवायरनमेंट का जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर, ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से भी उसका प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, फार्मर के बैड मैनेजमेंट के वजह से भी उसका प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, और जो एग्जिस्टिंग एनिमल है उनका भी जो है वो पेडिग्री सिलेक्शन होना चाहिए, उनका भी जो अनुवंशिक गुण है वो अच्छे होना चाहिए, तभी जाकर हम लोगों को जो है वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन मिल सकता है और उससे हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। यहाँ पे कोई भी एक चीज अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो पड़ला जिसका भारी हो जाएगा, तो वहां पे जो है ये सभी को जो है समान काम करना पड़ेगा और इनका वातावरण जो है अनुकूल होना चाहिए, फार्मर का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, एनिमल का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इससे एनिमल के ऊपर स्ट्रेस आता है, एनिमल अनकंफर्टेबल महसूस करता है और उसी के कारण जो है उनका मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो संकरित गायें हैं, जो क्रॉस ब्रेड्स हैं, तो उसके अंदर जो है उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होते हुए वो एकदम डाउन हो जाएगा, या कुछ वातावरण के चेंजेस की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से भी एनिमल का जो है वो हमको पॉलिसी के अनुसार काम करना चाहिए। प्रदेश की गायें हैं तो उनका कंजर्वेशन भी होना चाहिए, उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और संकरीकरण भी अगर हम कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी अगर कर रहे हैं हम, तो ब्लड लेवल जैसा कि हमने पॉलिसी में डिस्कस किया है, तो पॉलिसी के अंदर बताया गया है उसी प्रकार से करना चाहिए। 100% का इस्तेमाल जो है क्रॉस ब्रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉन डेस्केट एनिमल पे ही होना चाहिए, जो कि वो नहीं हो रहा है। आज लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमको ये फॉरेन का ब्रीड चाहिए, ये हमको सीमेन चाहिए, वो फलाबुल का चाहिए, 25,000 लीटर वाला चाहिए। लेकिन देखिए एवरेज मिल्क प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे हमारे भारत में जो है वो क्रॉस ब्रेड्स का जो है वो 7 से 8 लीटर कम से कम एवरेज मिल्क प्रोडक्शन, और हमारे जो नॉन डिस्क्रिप्ट गाय हैं तो वो तो देशी और नॉन डिस्क्रिप्ट वो तो 3 लीटर तक है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग ज्यादा में ना जाते हुए जो हमारे पास एनिमल है उन एनिमल्स का पॉलिसी के तहत उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे, उनको अच्छा मैनेजमेंट दे, हाउसिंग दे, और उनका अच्छा आनुवंशिक गुण हमको उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो बच्चियां हैं, वो अच्छे से अच्छे बनने चाहिए। ये सब चीज़ों के अगर ऊपर हम ध्यान देंगे तभी जाके हमारा जो है वो इकोनॉमिक मिल्क प्रोडक्शन होगा, उससे हमको कुछ लाभ होगा, जानवर भी अच्छे से रहेगा, उनको भी तकलीफ नहीं होगी, वरना हमारी वजह से उनको भी तकलीफ हो जाएंगी। वो बेचारे, उनको तो भगवान ने जो है तो नेचर बनाया है, अगर वो खुले रहेंगे तो वो उनके हिसाब से जी लेंगे, लेकिन हम उनको बांध के रखते हैं, हम उनको पालते हैं, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जब भी हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग करें, उसके अंदर
ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत हम कृत्रिम गर्भाधान करें, और साथ ही साथ अगर स्टॉल फीडिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनका अच्छे से मैनेजमेंट दे, हाउसिंग दे, और फीडिंग भी बहुत अच्छे से हमको देना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट भी और इन्वायरमेंट के अनुसार वो ब्रीड्स का इस्तेमाल हम करें, तभी जाकर जो है ये हमको लाभदायक होगा और इससे हमको फायदा पहुंचेगा। इसी में जो है अगली कड़ी में ये बताया गया है कि जो हमारे पशुपालन संबंधी अभिलेख है, यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, सफलतापूर्वक हमको पशुपालन के लिए जो है वो ये रिकॉर्ड्स की आवश्यकता है, नर और मादा की जो जानकारी का अभिलेख है वो यहाँ पे लिखना चाहिए, जन्म के समय बछिया का वजन हमको लेना चाहिए, कृमिनाशक औषधों का दिनांक हमको लिख के रखना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान का दिनांक हमको लिख के रखना चाहिए, गर्भ परीक्षण जब भी होता है तब का भी हमको वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स हमको अभिलेख रखना चाहिए, नर अथवा मादा जो है वो उनकी पैदाइश भी हो गए तो उनका भी हमको नोंद रखना चाहिए, दूध उत्पादन जो है वो सुबह और शाम का प्रतिदिन का महीने में एक बार भी अगर हो तो वो हम लिख कर रखें। तो इस प्रकार से अगर हमने पूरा 7 से 8 महीना, 10 महीना का, हर महीने का एक रीडिंग उसका फैट का और उसका दूध का रीडिंग ये हमको रखना चाहिए, ताकि हमको जानकारी मिलेंगी, हम एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारे पास जो गाय है, देशी गाय हो या संकरित गाय हो, उनका मिल्क प्रोडक्शन कितना है और उसके अंदर हम लोगों ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, क्या कहीं गलती हो रही है। तो ये अगर हम सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, दो ब्यात में क्या अंतर हो रहा है ये भी इससे हमको पता चलेगा, अंतराल जो है वो कम होना चाहिए, प्रतिवर्ष हमको एक गाय बछड़ा देना चाहिए, या फिर 15 से 16 महीने, 17 महीने तक तो हमको प्रतिवर्ष एक बछड़ा होना ही चाहिए। तो ये सब प्रतिबंधक टीकाकरण हो या बाकी के जंत निर्मूलन हो या कृत्रिम गर्भाधान की चीजें हो या दूध उत्पादन हो या हमारे पास बछिया पैदा हुई हो, तो इन सब की जानकारी जो है वो डेट वाइज हमको लिख के रखनी चाहिए और उसका आकलन हमको करना चाहिए, ताकि फिर हम अच्छा दूध उत्पादन, अच्छी नस्ल की गायें तैयार कर सकते हैं हमारे ही घर में और उनका अच्छा हम देखभाल कर सकते हैं। ये वही चीज बताई गई है कि मेल किल, फैट पर्सन, ये सब हमको रखना चाहिए, बॉडी वेट है, ब्रीडिंग कब कब किया है। इस प्रकार से जो है ये आपको देशी गाय की नस्लें और पॉलिसी जो है उसके बारे में हम लोगों ने सभी ने डिस्कस किया है। अब और एक महत्वपूर्ण ये है कि जो देशी गाय की नस्लें हैं तो वो देशी गाय की नस्लों का हम जो कंजर्वेशन कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो भारत सरकार ने जो है प्रतिवर्ष अवार्ड भी रखा है, जिसको नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये जो है जैसा कि हम ये वेबिनार कर रहे हैं, तो वेबिनार किस लिए कर रहे हैं कि लोगों को अवगत कराने के लिए, लोगों में जो है देशी नस्ल की गाय का जो है वो क्रेज बढ़ाने के लिए, देशी गाय का महत्व बताने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए। तो उसी प्रकार से ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है ये मोटिवेट करने के लिए फार्मर्स जिन वो संवर्धन कर रहे हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ अब ये जो इंडिजिनियस ब्रीड का संवर्धन तो फार्मर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो देखभाल जो यानी कि उसका गर्भाधान कर रहा है वो कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ है, तो वो कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ जो है आर्टिफिशियल इंसिमिनेटर, उसके लिए भी यहाँ पे जो है अवार्ड रखा गया है। और साथ ही साथ हमारे जो है मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, हमारे मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज है या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज है, आजकल फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी है, तो इन सबको जो है उसमें कंसिडर किया गया है, तो उनको भी अवार्ड दिया जाता है। तो हमारी जो हमने बताई है ब्रीड की नस्ल की गायें, देशी गायें, वो 53 ब्रीड्स और 20 बफेलो ब्रीड्स है, तो उनका अच्छे से संवर्धन अगर करते हैं, उनका अच्छे से देखभाल करते हैं, उनके प्रोजेनिस आपके पास है,
तो आपको भी अवार्ड दिया जा सकता है, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये इस प्रकार से नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है, ये हर साल होता है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको बताई है मैंने अभी कि आपने कंजर्वेशन करना चाहिए देसी गायों के नस्ल का, और उसके साथ साथ जो है जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज है, एफपीओज है, उनका भी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अगर वो कलेक्शन करते हैं अच्छा तो वो भी यहाँ पे कंसिडर किए जा सकते हैं। और जो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए एआई टेक्नीशियंस है तो उनके लिए मिनिमम उन्होंने ट्रेनिंग होना जरूरी है, 90 डेज का ट्रेनिंग होता है, जो कि 1 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग होता है और 2 महीने का जो है वो फील्ड का ट्रेनिंग होता है। तो ये ट्रेनिंग उन्होंने किया हुआ होना चाहिए, ये इसके लिए जरूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसने जो कुछ भी कृत्रिम रेतन किए हैं तो उनका कंसेप्शन रेट कितना आया है, उनका कार्विंग रेशियो कितना आया है, ये सब जो है वो इनाफ में इनाफ उनका एक सॉफ्टवेयर था, या नहीं तो अभी भारत पशुधन ऐप आया है तो उसमें इन सब की नोन होना आवश्यक है, उसी के आधार पे इनका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसके अंदर देखेंगे अगर आप, तो 3 प्रकार के अवार्ड है हर कैटेगरी में, यानी कि बेस्ट फार्मर, बेस्ट एआई टेक्नीशियन और बेस्ट एफपीओ, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। और एक स्पेशल अवार्ड भी रखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए, तो उनके लिए अलग से 20,000 के 3 अवार्ड्स है। तो इस प्रकार से ये टोटल 12 अवार्ड्स है, हर कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो 5 लाख रुपए का यहाँ पे फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, उसके साथ सेकंड प्राइस 3 लाख का है और थर्ड प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए का है। तो सोचिए अब कितनी बड़ी अमाउंट है। जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, अवार्ड के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो है नॉमिनेशन जो है वो ऑनलाइन होता है, government.gov.award.government.in पे आप जाइए और वहां पे जो है इसका नॉमिनेशन आपको खुद इंडिविजुअल करना पड़ता है, जैसे कि बायफ नहीं करेंगे, आपको खुद वहां पे एज अ फार्मर इंडिविजुअल आपका आईडी क्रिएट करके वो पूरी जानकारी वहां पे अपडेट करनी पड़ेगी और आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से बेस्ट एआई टेक्नीशियन हो, बेस्ट एफपीओ हो, तो वो लोग भी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, तो इसका सब सिलेक्शन प्रोसेस होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है वहाँ से लोग एप्लीकेंट्स का स्क्रूटनी होता है, एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो फील्ड में आते हैं, उसका स्क्रीनिंग होता है और उनका सिलेक्शन किया जाता है। और अभी जैसा कि इसका अनाउंसमेंट हुआ है तो ये लगभग पिछले माह में इसका 15 इसी माह में 15 जुलाई से फार्म्स को बुलाया जा रहा है, और 31 अगस्त जो है, अब ये अगस्त महीना जो आने वाला है वो लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन की। तो सभी फार्मर से, एआई टेक्नीशियन से और हमारे अगर कोऑपरेटिव डेयरी से भी अगर कोई ज्वाइन हुए हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इंडिजिनियस ब्रीड का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इंडिजिनियस ब्रीड का आप पालन पोषण कर रहे हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं और इसका अवार्ड मिलेगा 25 नवम्बर को। थैंक यू। इसके अंदर अगर किसी के प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी पूजा जी, यस सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी यूजफुल प्रेजेंटेशन। द सेशन इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी का क्वेश्चन आंसर्स है तो टाइप करिए चैट या क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, या फिर हैंड रेस करिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सर, एक पूछना था कि इसमें हम सॉर्टेड सीमेन इंडिजीनियस का भी यूज कर सकते हैं ना फॉर यस 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 ग्रेड सॉर्टेड इम्प्रूवमेंट? अभी अभी जो है ना, अभी हम लोग सॉर्टेड सीमेन का ही इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट में, क्योंकि 90% बछिया पैदा होंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होगा ना, फोर्टी वही मुझे परसेंट लगा कि ये पूरा सब कन्वेंशनल पे है, तो क्योंकि अभी इंडिजिनियस के भी सीमेन अवेलेबल है हाँ सॉर्टेड यस का। यस हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया ना सभी ब्रीड्स का इंडिजिनियस अभी, जैसा कि हमारे यहाँ लगभग
18 ब्रीड्स का सीमेन उपलब्ध है, तो वो हम सॉर्टेड सीमेन कर रहे हैं उसका, एज पर डिमांड कर रहे हैं कि जहाँ से ज़्यादा डिमांड आएंगी, जैसे महाराष्ट्र में डांगी ब्रीड हो या गौड़ो ब्रीड हो, तो उसका एटलीस्ट हमको जो है 400 500 जो है वो डिमांड होनी चाहिए। ओके ओके जी ओके सोनाली शिराड़े, अनम्यूट करिए और आपका प्रश्न पूछिए। घाटे सर आपको भी कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। इंडिजिनस काऊ का कोई बेनिफिट डिसीज रेजिस्टेंस या ड्रॉट रेजिस्टेंस इसमें रह सकता है क्या, और वो हमें इम्प्रूव क्रॉस ब्रेड में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? जैसे वेचूर काऊ को भी बहुत मान्यता है केरला में। ओवर। जी, डिजीज रेजिस्टेंस है ना सर, जैसा कि क्रॉस ब्रेड्स एनिमल अगर देखेंगे तो उनको थाइलेरियासिस जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और हमारे इंडिजिनियस ब्रीड में वो कम पाया जाता है। जैसा FMD भी है, तो जो वायरल जो डिजीजेस है तो उसका भी प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है क्रॉस ब्रेड में, और हमारे जो इंडिजिनियस ब्रीड है वो रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये जो है सबसे बेनिफिट की चीज़ है इसके अंदर, कि वो जल्दी से अफेक्ट नहीं होते उसके ऊपर। थैंक यू सर। लंपी स्किन डिसीज का कितना इफेक्ट रहा इंडिजिनस कैटल हाँ, पे? लंपी स्किन डिजीज का जो है वो देखिए दोनों में प्रमाण हुआ है इसके अंदर, जो हमारे इंडिजिनियस है या क्रॉस ब्रिड है। और इंडिजिनियस में इसलिए ज्यादा हुआ है कि क्यों, दे आर स्कैटर ग्रेजिंग वगैरह होता है, तो वो वायरस का जो है वो फैलाव बहुत जल्दी हो गया है। और क्रॉस ब्रिड जो है वो स्टॉल फीडिंग यानी कि वो बांध के रखते हैं ना, तो उसमें वो स्प्रेडिंग जो है वो स्प्रेडिंग ज्यादा होने के कारण इंडिजिनियस अफेक्ट हुए। थैंक यू सर। जी। और जैसा कि आप बता रहे थे ना कि इसके अंदर जो है अगर क्रॉस ब्रीड में हमको इंडिजिनियस के गुण लाने हैं या उसके कुछ अच्छे कैरेक्टर्स लाने हैं, तो बैक क्रॉसिंग भी है सर इसके अंदर, कि हम लोग ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी देसी गाय की न सॉरी जो क्रॉस ब्रीड गाय हैं जिनका ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में कोपरगांव एरिया, नगर एरिया या कुछ अच्छे बेल्ट जहाँ पे पोटेंशियल एरिया है, प्रोडक्शन अच्छा है, मिल्क प्रोडक्शन के हब है, जहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे जो ब्लड लेवल है क्रॉस ब्रीड एनिमल का वो बहुत बढ़ गया है, तो उसको बैक क्रॉसिंग करके कम किया जा सकता है थ्रू इंडिजिनियस ब्रीड। थैंक यू सर। मतलब F2 F3 में। यस सर, यस सर। एक प्रश्न है, वो पूछ रहे कि ब्राजीलियन गिर का सीमेन गुजरात गिर में यूज कर सकते हैं कब फॉर ब्रीड इम्प्रूवमेंट? देखिए, अब ये जो हम लोगों ने आपको बताया है कि ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है, तो उसमें कहीं भी आपको ये नहीं दिखा कि ब्राजीलियन गिर का सीमेन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हमको फॉलो करना है हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी। अब ये जो ब्राजीलियन गिर की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो उन्होंने वहाँ पे जो ब्रीड का अब क्रॉसिंग किया है या जो कुछ भी किया है, उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारी गिर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंडिजिनियस ब्रीड है, उसी को हमारे ही इंडिजिनियस ब्रीड से इस्तेमाल करना चाहिए। जो नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन है, जो नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन है उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको चांस दिया गया है कि आप चाहे उसको क्रॉस ब्रीडिंग करो या चाहे आप उसका अपग्रेडेशन करो देशी ब्रीड्स का, तो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल में इस्तेमाल कर सकते। नागराजू पूछ रहे हैं कि गिर ब्रीड में कम से कम 3 से 4 बार AI करना पड़ता है, क्यों? नागराज आप कहाँ से हैं? आई थिंक ही इज फ्रॉम कर्नाटका। ओके ओके, तो देखिए गिर ब्रीड का जो है, अभी सभी लोगों को पता है कि सर्विक्स जो है वो थोड़ा किंक होती है, तो उसमें क्या है ना कि जो हमारे AI टेक्नीशियंस है बाय एक्सपीरियंस बाय प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से गन पास कर लेते हैं, तो बस थोड़ी सी उसमें दिक्कत है, नो डाउट उसमें दिक्कत है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर समय 3 बार या 4 बार करने से ही गैबिन रहती है। अगर आप देखेंगे कि बायफ ने
गिर सौराष्ट्र एरिया में बहुत अच्छा गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों ने काम किया है, गिर इम्प्रूवमेंट पे काम किया, और वो सब हम कृत्रिम गर्भाधान से ही करते हैं। तो ऐसे नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन बाय एक्सपीरियंस वो अच्छा हो जाता है जी। अंजना जी, अनम्यूट करिए और आपका प्रश्न पूछिए। अंजना नाको से। जी सोनाली, आपका प्रश्न पूछिए। सोनाली शिराड़े। अंजना जी, आपका कुछ प्रश्न है? और दो जन ने मंगेश हैंड रेस किया है, वो अगर पूछना चाहते हैं तो। ये वाला ना अंकेश, हेलो। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग हमको ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ओके, गार्गी रानी पूछ रहे हैं कि सिलेक्टिव सीमेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं उपलब्ध होता है? महाराष्ट्र, सी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग। कौन सी ब्रीड की बात कर रहे हैं आप? गार्गी रानी, आप आपका प्रश्न भी पूछ सकते महाराष्ट्र हैं। से है ना वो, तो महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी जो गवर्नमेंट के भी सीमेंट स्टेशंस है तो वहाँ पे उपलब्ध है। आप उनसे जानकारी लीजिए, उनको अवगत कराइए, या नहीं तो आप बायफ से मंगवा सकते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे अगर हमारे एयर टेक्नीशियंस आसपास होंगे तो हम लोग अवेल कराएंगे उसको। अनूप सिंह करके है, जामनगर से है, वो पूछ रहे हैं एआई गन डिजिटल यूज कर सकते हैं क्या? डिजिटल एआई गन, देखिए डिजिटल एआई गन का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज फॉर्म्स पे जो एआई टेक्नीशियंस काफ़ी एआई करते हैं या जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, उसमें दो चीज़ें हो सकती है। या तो आप शुरुआती एज अ ट्रेनिंग पर्पज़ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अच्छे से सर्विक्स में गन पास हो रही है नहीं हो रही है, और सीमेंट डिपॉजिट का कहाँ पे सही जगह पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब आप ध्यान दे सकते हैं। तो डिजिटल गन इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं नहीं कहा जा सकता उसको, डिजिटल गन भी इस्तेमाल कर सकते जी। यस, और किसी के कुछ प्रश्न है? एक किसी ने हैंड रेस किया है, आप भी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। उनका नाम नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर करके दिख अच्छा, रहा है। वो शुरू से है, वो स्टार्टिंग से है, वो अच्छा, क्वेश्चन। उन्होंने टाइप ही कर दिया। हाँ इफ उनको, काव इज गिविंग 1900 kg ऑफ मिल्क, विच बुल सीमेन वी कैन यूज एंड अप टू वॉट एक्सटेंट टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन लेटर लैक्टेशन। 1900 मिल्क दे रही है हाँ अगर। देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि इफ अ काउ गिविंग 1800, तो इंस्टेड ऑफ 1800, इंस्टेड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन वी हैव टू गो, शायद उन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो आई विल आंसर इन इंग्लिश ना पूजा। सो यस सर, या इफ यू वांट्स टू इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन देन यू हैव टू सिलेक्ट द ब्रीड फर्स्ट, विच ब्रीड इज गिविंग 1800 लीटर मिल्क। इफ इट इज क्रॉस ब्रेड देन यू गो फॉर द 75%, एंड इफ इट इज इंडिजिनियस ब्रीड देन यू गो फॉर द इंडिजिनियस ब्रीड, अदरवाइज यू विल नॉट फॉलो द ब्रीडिंग पॉलिसी। वी हैव ऑल डिस्कस हियर, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू एज पर द ब्रीड्स, नॉट एज पर द मिल्क प्रोडक्शन। मुझे मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए इसलिए मैं कोई भी ब्रीड इस्तेमाल करूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। जी यस, प्राजक्ता पाटिल, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए और पूछिए। या गुड
या प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. मंगेश, तू तिला म्यूट केलंस. हेलो. या आर यू एबल टू हियर मी? यस 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 यस. या एक्चुअली आई वांट टू नो द स्टेज वाइज डेवलपमेंट ऑफ द काफ, बिकॉज सी इवन दो आई एम हैविंग साहिवाल विथ मी, साहिवाल एंड गिर, बट द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स इवन दो आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर फीड टू बोथ द काउज, द फीमेल काफ्स आर वेरी वीक. ओके, बिकॉज आई हैव गिवन आई हैव लाइक मे बी यू कैन से एवरीथिंग आई हैव गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल एंड बट द काफ्स आर नॉट दैट हेल्दी. सो इज देर एनी चार्ट वेर वी कैन लाइक मंथ वाइज डेवलपमेंट और एनी प्लान फॉर द काफ्स, एनी सप्लीमेंट वी कैन गिव? यस यस मैडम, देर इज अ प्लान फॉर सप्लीमेंट केयरिंग ऑफ द न्यू बॉर्न काफ अप टू द 6 मंथ एंड अप टू द 12 मंथ्स. आई विल शेयर यू. इफ यू हैव ईमेल आईडी, यू कैन मेल मी. हियर माय मेल आईडी इज देयर. सो आई विल सेंड यू द डिटेल काफ चार्ट फॉर द ग्रोइंग काफ ऑल्सो हीफर्स. How ओके much ओके care we have to taken, but at present how much age is of that calf? नाउ आई हैव 1 month calf, इवन फोर 1 month, 1.5 month, एंड वन इज लाइक 8 days ओनली. Okay. I will share you in detail chart, but I will also ask you that for starting every month you have to deworm that calf up to 6 month first of all, and ओके एवरी मंथ. ओके Every month you have to deworm, and according to the body weight. And first of all, you have to give the colostrum up to the 10% of body weight after the calving, up to 3 days. Okay, and then Yes. milk should be given up to the 3 months, Okay, yeah. 2 and 3 liters per day accordingly. And then you have to give some start with the concentrate, some light concentrate, light. Fodder and then mineral mixture accordingly. I will give you detailed Okay. schedule also. You can mail me. Okay. Can you please display once the sir's details, email ID Yeah, and phone? here. Have you seen my screen? No, sir. I am. Yes. So you can type your email ID in chat section, sir. So everybody, even though it is on your screen, everybody will get it. They Okay, can okay. copy it also. Right away. Yes. Yeah. Okay. So the Thank doctor you. is asking which is the cheapest source and technique for PD at farmer's doorstep for pregnancy diagnosis. Cheapest source. Who is asking? He is doctor, sir. Naam nahi dikh raha. Okay. So, where is there? The cheapest source is the per rectal examination, which we have to do by the AI technician, the cheapest source. And then, if you go for the testing, there are testings are also available, but it is costly. Okay. नरेश जोशी, ये अपने ही है शायद, पूछ रहे ओके. हैं कि गिर काउज मिल्क ज्यादा है मगर मस्टाइटिस प्रॉब्लम ज्यादा है, अरे इसके लिए कुछ प्लानिंग या ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं, मस्टाइटिस प्रॉब्लम ज्यादा है ऐसे नहीं कह सकते हम. कि अब देखिए, कोई भी डिजीज जो है वो हमने जैसा बताया था ना, इन्वायरमेंट, फार्मर. तो इन्वायरमेंट कैसे है और फार्मर का हाउसिंग मैनेजमेंट कैसा है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर वहाँ पे उसका हाउसिंग मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छी जगह पे हम उसको रख रहे हैं, और मिल्क प्रोडक्शन, देखिए जब हम दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के पहले, दूध निकालने के बाद हम उसका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर रहे हैं क्या, उसको इमिडिएटली बैठने नहीं देना चाहिए. तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, रैदर देन डिजीज कम करना, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हम ज्यादा ध्यान दें प्रिवेंशन की ओर. लोगों में हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कीजिए. जैसा कि वो हमारे नरेश भाई हैं, तो नरेश भाई वहां पे जो हमारे एना जेनेटिक प्रोग्राम चल रहा है या दूसरे हमारे प्रोग्राम्स है, वहां पे हमारी टीम है. तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, मस्टाइटिस प्रिवेंशन के
मीटिंग्स लीजिए, वहां पे मस्टर्डीज टेस्टिंग कीजिए और लोगों में जो है उसका प्रचार कीजिए। और ओके, शायद उसके किट्स भी अवेलेबल है, वो भी यूज कर सकते हैं वो अगर करना कौन सी चाहते किट? हैं, मस्टाइटिस टेस्टिंग हाँ के यस यस, किट्स। मास्टाइटिस के किट भी अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे मास्टाइटिस ना हो इसके लिए पहले हमको स्टेप लेना चाहिए। अभी यस इंडियम के इथनो वेटरनरी के ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इथनो वेटरनरी का भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी पूछ रहे हैं कि विच ब्रीड इज बेस्ट फॉर बनसकंथा, गुजरात एरिया वेर ह्यूमिडिटी इज 100% एंड टेम्परेचर इज अराउंड 42%, 42 डिग्रीज सेल्सियस। देखिए यहाँ पे तो हम लोग गीर को ही प्रेफर करेंगे, गीर और कांकरेज को। ओके अगेन द डॉक्टर इज, डॉक्टर यू कैन आई थिंक अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नहीं, एट उनका वॉट एज द फर्स्ट डीवर्मिंग शुड बी गिवन टू काफ एंड इफ काफ इज वीन्ड फ्रॉम द डैम एट अर्ली 5 डेज देन वॉट इज द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर रियरिंग। यस अभी उसका आंसर दे चुका हूँ मैं, वो तो मैडम डॉक्टर प्रजक्ता मैडम ने भी यही क्वेश्चन किया था। तो डिवर्मिंग जो है वो हर महीना करना चाहिए, फर्स्ट डिवर्मिंग जो है वो 10 to 20 days में हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ जैसा कि कोलोस्ट्रम का बताया गया है फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, शायद आपने सुना नहीं होगा, और 3 महीने तक उसको दूध देना है 2 से 3 लीटर। और इसका अगर आपको डिटेल शेड्यूल चाहिए तो आई विल शेयर यू, माई मेल आई डी आई हैव इन चैट पोस्टेड। जी मैडम, ये सर शायद काफी क्वेश्चंस हो गए, तो अभी भी अगर किसी के प्रश्न है तो हम अगले 1-2 मिनट के लिए लेंगे, उसके बाद अगर आपको फिर भी क्वेश्चंस हैं तो आप शेख सर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, उन्होंने अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों भी चैट में डाल रखे हैं, आप नोट डाउन करिए। हम अभी लास्ट 1-2 क्वेश्चंस लेंगे। अविनाश जी आपने हैंड रेस किया है, आप प्रश्न पूछिए। अविनाश जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, माझा असा प्रश्न होता, हाँ बोला बोला, महाराष्ट्र बोला। माझा असा प्रश्न होता की AI करताना गीर गायला थोडं गन पास करताना थोडी अडचण येते तुम्ही AI टेक्निशियन त्यावर। आहेत का? हाँ, AI टेक्निशियन आहे। हाँ, सुरुवातीला पहिलाच प्रश्न हा झाला होता, ते कर्नाटकचे नागराजांनी विचारलं होतं, तुम्ही नाही नव्हते सर, मी का? लेट, ऐका ना सर, मी लेट जॉईन झालो नेटवर्कच्या ओके ओके, प्रॉब्लेममुळे नाही थोडं। काय हरकत नाही, मी सुरुवातीला तेच सांगितलं की गीर गायमध्ये कन्सेप्शन रेट कमी आहे असला भाग नाही आहे, गीर गायमध्ये ही कन्सेप्शन रेट आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो बाय एक्सपिरियन्स, ते किंग सर्विक्स असतात, तर थोडंसं आपल्याला जे आहे ते आपल्या बाय प्रॅक्टिसनं ते आपण करू शकतो। आता तुम्ही किती गीर गायचं ए आय करतात? आमच्याकडे असं तुरळक आहे तर गीर गायचं हाँ प्रमाणच कमी आमचं नाही तेच डिस्ट्रिक्ट ना, मध्ये। हाँ त्याच्यामुळेच तो प्रॉब्लेम आहे की जास्तीत जास्त गीर गाय जर हाताळले आपण आणि त्यांची सर्विसची हाताळणी जर जास्त झाली की आपल्याला बाय एक्सपिरियन्स ते येऊन जाते, मोल्ड होते, काय का नाही? हो, बरोबर आहे, बरोबर आहे। ओके, मग त्याला आपण ओके काय असं ओके औषधी उपचार नाही करू शकतो, कारण हीट जी आहे ते हीट चांगली जर असेल तर त्याला आपण उगीच डिस्टर्ब नाही करणार। ओके नाही, बरोबर, ओके ओके सर। ओके, कुठले तुम्ही? धाराशिव ओ बूम धाराशिवचे आहे का? बूम, बूम बाइप मध्ये 2018 पासून काम करतो सर। यस 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 यस, ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन आज का, गीर मध्ये मायाक बाहेर येण्याचा त्रास होतो, गार्गी नाही, असं नाही। गार्गी जास्त। ओके ओके ओके, मयांक बाहेर येणे ह्याची कारणे वेगळी आहेत, गीर गायी मध्ये येते प्रश्न चुकीचा आहे, मायांक बाहेर येणे हा एक न्यूट्रिशनल किंवा मग आपलं मॅनेजमेंट हाउसिंग जे आहे ते बरोबर नसल्यामुळे होतो, तर ते मायांक बाहेर येऊ नये म्हणून आपण त्या ज्या गाभण अवस्थेमध्ये जनावरं आहेत त्यावेळेस आपल्याला त्यांना
उतारीवर कसं असते, आपण जनावरांना बांधलेलं उतार नसलं पाहिजे, बॅक साईडला जनावराला चांगल्या ठिकाणी बांधलं गेलं पाहिजे, त्यांना चांगलं न्यूट्रिशन दिलं पाहिजे, त्यांचं खाद्य जे आहे लास्ट ट्रायमेस्टर मध्ये आपल्याला वाढवायला पाहिजे, खनिज मिश्रण त्यांना दिलं पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी जर आपण केले तर हे मयंक बाहेर येण्याचं आपण टाळू शकतो. पण गीर हॅलो. मध्ये हाँ हा कोण आहे? सर, प्रॉब्लेम असं झाला आहे, माझ्याकडे गीर आहेत, गीर पहिल्याच वेळी व्हायली व्यवस्थित, आणि नंतर एक 3-4 तासानंतर तिचं मायंग बाहेर आलं आणि परत बसवलं, परत असं 3-4 वेळा झालं, त्यामुळे मी प्रश्न केला सर. हाँ नहीं नहीं ठीक है, विकताना पण ते काय, विकताना काय प्रॉब्लेम नाही आला, ओके तब्येत दोन्ही चांगली होती, हेल्दी गाय होती. हाँ नाही मग ते मायांग जे आपण मधील डॉक्टर जे आहेत ना त्यांना हाँ थोडंसं ते आपण चर्चा करूया त्यांच्यासोबत काय नेमकं प्रॉब्लेम झाला होता, कारण आता आपण नाही तर सांगू शकतो ना त्यांनी काय ट्रीटमेंट दिलं होतं ते. सर, तर ते येऊ नये म्हणून आता पुढच्या वेळी काय काळजी घ्यावी हाँ लागेल तर त्याला, पुढच्या सुरुवातीला गाभण काळात वेळेला काय द्यायचं? हाँ, तर ते मी आता तेच म्हणलं की जनावरांची जे राख रखवाल आपला जो गोठा आहे उतारीच्या ठिकाणी त्यांना नाही बांधायला पाहिजे, हाँ काय लोड त्यांना जास्त नाही झाला पाहिजे, कसं आहे हाँ प्रेशर पोटावर प्रेशर आल्यावर त्या सगळ्या गोष्टी होणार आहे. आणि कमतरता जे न्यूट्रिशन आहे ग्रीन हिरवा चारा मुबलक दिला पाहिजे, आपल्याला खाद्य पशु खाद्य चांगलं दिलं पाहिजे. आपण बॉडी मेंटेनन्स साठी 1.5 किलो देतो तर आपल्याला जे ट्रायमेस्टर समजा 7व्या महिन्याची गाभण आहे 5व्या महिन्याची गाभण आहे तिथून आपल्याला त्याला वाढलं पाहिजे, 3 ते 4 किलो 5 किलो पर्यंत दिलं पाहिजे, मिनरल सर, मिक्सचर दिलं पाहिजे, या सगळ्या काही वेळ गोष्टी. काही वेळ डॉक्टर सांगतात जास्त खाणं देऊ नका, खाणं कमी करा नाही सरला नाही देत, नाही 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 त्यामुळे नेमकं नाही काय. आता बघा माणसामध्ये काय करतो आपण, जनावर सुद्धा जीव आहे ना बरोबर आहे. आपण, तर ते सुद्धा गाभणे म्हणजे काय करायले त्यांच्या रक्तातलं जे काही न्यूट्रिशन आहे तो शोषून त्या कालवडे असतात पिल्लाला देतात. पिल्लाला देतात, कालवडींची हो वाढ होते ना ते बरोबर, खूप चालले त्यांना, तर ते त्यांच्या जीव अंगातलं शोषूनच जाते ना. आणि बरोबर, जीव जनावरांचं जे नंतर व्याल्यानंतर सुद्धा त्याला लोड असते ना दूध उत्पादन करायचं असते तर बरोबर. त्याच्यासाठी सुद्धा त्याच्यामध्ये ताकद असली पाहिजे. तर हो म्हणून आपण काय म्हणतो की सर्वात जास्त आपल्याला गाभण गाई जेव्हा आपल्याला कळाली 3 महिन्यानंतर की ही गाभण आहे तर तेव्हापासून त्याचं खानपान रखरखाव त्याला चांगली जागी बांधा त्याला चांगलं खाद्य द्या पशुखाद्य द्या मिनरल मिक्सर द्या या सगळ्या गोष्टी करा जेणेकरून पुढं आपल्याला अशा गोष्टी टाळता येतील. ठीक है. ओके ओके मॅडम. ओके सर, ओके जैसे मैंने कहा था अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो आप सेपरेटली सर को ईमेल या कॉल करके पूछ सकते हैं. तो ये सर इसी के साथ ये वेबिनार हम कंक्लूड करते हैं. थैंक यू वेरी मच शेख सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा एंड पार्टिसिपेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आस्किंग धन्यवाद. योर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी जी, मच. थैंक यू थैंक वेरी यू. मच फॉर आपकी टीम का भी धन्यवाद जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया. हमारे सभी बायफ के कर्मचारी फार्मर्स जो कुछ भी लोग जुड़े थे उन सभी का धन्यवाद. और आपके अगर कुछ प्रश्न वगैरह भी होंगे तो हम लोग संपर्क में रहेंगे, मेरा मोबाइल नंबर या आप ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू ओके, थैंक यू. थैंक यू.